गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। फतेहाबाद में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण किया, जहां परेड को सलामी दी गई और बीजेपी के बड़े नेताओं और मीडिया तक को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में एंट्री नहीं दी गई और किसानों के जरिए मुख्य अतिथि बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के विरोध करने का ऐलान किया गया था। इसी के चलते जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, साथ ही बीजेपी नेताओं को भी कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिली। फतेहाबाद में 75वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बिजली मंत्री रंजीत चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और ध्वजारोहण कर अपना संबोधन किया और आजादी के महत्व के बारे में बताया। बता दें कि किसानों के जरिए बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला के विरोध का ऐलान किया गया था, इसके चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आई, लेकिन फतेहाबाद प्रशासन की मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल रही। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिन नेताओं को भी पास दिए गए थे, उन्हें कार्यक्रम स्थल पर एंट्री तक नहीं दी गई। बीजेपी नेता पुलिस के जरिए लगाई गई बैरिकेडिंग पर कार्यक्रम में जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके चलते बीजेपी नेताओं का गुस्सा भी फूटा और उन्होंने इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेताओं का कहना था कि अगर उन्हें एंट्री नहीं दी गई तो वीआईपी पास क्यों दिया गया, उन्हें निमंत्रण क्यों दिया गया, लेकिन एंट्री नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज। कोई बात नहीं, बढ़िया रहा। क्षेत्रवार जन्मदिन था, क्षेत्रवार स्वतंत्रता दिवस था, बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया, बहुत बच्चों का बढ़िया एक प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा, मीडिया भी आया, लोग भी आए, अच्छा। कैदियों को राहत भी दी गई है? हाँ, वो हमने पहले अनाउंस कर दिया, उसमें प्रोसेस रखता है एक डेट में। मंत्री जी, आज इतनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, आम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं पहुँच पाए। स्वतंत्रता दिवस पे हमेशा होती है कोई, आज नया काम भी, आप लाल किला जाके देखो, हमेशा ये रहता है। किसानों को अपने अपने इलाकों में होना चाहिए था, आज बॉर्डर पे बैठे हैं स्वतंत्रता दिवस पर, क्या ये चलता रहता है? सब किसान दिल्ली में भी बैठे हैं, करते हैं उनका अपना अधिकार। ये 15 अगस्त का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, इसमें आम जनमानस की पूरी भागीदारी होती है और होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन को कुछ ऐसे प्रबंध करने पड़े हैं जिससे आम जनता भी परेशानी अनुभव कर रही है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि जिला प्रशासन को चाहिए था कि कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए पहले कोई रूट जारी करते और उस रूट से, ताकि आम आदमी और जो आजादी के जश्न में अपनी भागीदारी चाहते हैं वो लोग शामिल हो सकते, लेकिन ऐसा प्रशासन ने ना करके कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। इनको प्रशासन को चाहिए था कि अगर हमें बुलाया है तो हमें इस प्रकार बेइज्जत न करें। ये देखो, आपके सामने छोटे छोटे बच्चों को एक और कह रही थी लेडी कि हमें पार्टिसिपेंट है हम, और हमें बुलाया गया है सम्मानित होने के लिए। अगर बुलाया गया है तो उनका रास्ता भी निकालना चाहिए था इनको। ये तो सरासर बेइज्जती करने वाली बात है। हम अपने घर जा रहे हैं और प्रशासन को और ऊपर सबको हम लिखेंगे, ये कार्ड भी दिखाएंगे, हमारे हाथ में कार्ड है, और सबको कह रहा हूँ कि वीआईपी कार्ड है मेरे पास, किस लिए बुलाया था मुझे। तो मुझे अफसोस है कि ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम किया है इन्होंने, प्रोग्राम जो बनाया है इन्होंने, प्रबंध जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, निंदनीय है।